हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अभी जो है सुबह का टाइम है और हम लोग जो है सेमिनार अटेंड करने आए हैं। सुबह सुबह 8 बजे का टाइम है और जो है तकरीबन 4 घंटे का हम लोग का सेमिनार था। आज का जो सेमिनार था काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव था क्योंकि ये थीसिस से लिंक करता था। थीसिस में हम लोगों ने किस तरह से प्रेजेंट करना है और उसमें जो मेजर इश्यूज़ हम लोग को फेस करने पड़ेंगे और उसमें जो जो चीज़ें होंगी वो जो है डिटेल में इन लोगों ने हमें बताई थी। सेमिनार के बाद जो है मुझे एक टीचर से अपना थीसिस भी डिस्कस करना है। सो आप देखते हैं हमारे साथ क्या बनता है। हम कहाँ से गुजर रहे हैं? हम गुजर रहे हैं ये फिनेस्ट्री के वुमेन लॉन से, जिसके आगे साइड पे सीढ़ियाँ, लेकिन यहाँ पे आगे सारे दरख्त हैं, इसलिए हम साइड से गटरों के ऊपर से जा रहे हैं। और यहाँ से गुजरते हुए हमेशा डर लगता है क्योंकि ठक ठक होता है, ऐसे लगता है जैसे नीचे कोई, जैसे कार्टून्स में नहीं होता था कि नीचे सुराख होता है और ऊपर पत्थर रख देते हैं और अंदर गिर जाते हैं बिल्कुल धड़म करके। मुझे डर लगता है मैं धड़म करके गिर ना जाऊँ, लेकिन कोई बात ही ना। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट स्टॉल, वहाँ से हम लेके आएंगे एक लाइनर जो हम लगाएंगे अपनी आंखों के ऊपर। देखिए अभी लाइनर नहीं लगा हुआ, हम लाइनर लगाएंगे और हम लेने जा रहे हैं, चले हमारे साथ। आज जो हमारे लग काम नहीं कर रही थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स हैं यहाँ पर, डिफरेंट डेज में डिफरेंट स्टॉल्स लगते हैं। सो हम लोग काफ़ी ज़्यादा घूमे लेकिन यहाँ पर जो है वो स्टॉल नहीं था जहाँ से हम लोगों ने लाइनर को लेना था। जो लास्ट स्टॉल है यहाँ पर जो है कुछ मेकअप था, बट यहाँ से भी हम लोग को जो है लाइनर नहीं मिला। यहाँ पर जो है हर चीज़ अवेलेबल थी सिवाय एक आईलाइनर के, क्योंकि हम लोगों ने वो बाय करना था इसलिए वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं था। सो हमारे साथ भी मोए मोए हो गई। आज जो है मुझे जल्दी घर जाना था क्योंकि आज ब्राइड थी और आज ही सर लेट थे, तकरीबन 2 से 3 घंटे सर लेट थे, जिसकी वजह से जो है मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई और जो है यहाँ पर बैठ के इनका वेट किया। 2 बजे जो है मेरी वैन निकल जाती है और मुझे 2 बजे ही जाना था, बट जो है सर खुद 2 बजे आए थे जिसकी वजह से मैं लेट हो गई। बट स्टिल फटाफट सर ने जो है सारी चीज़ें शेयर की हैं, अपनी जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, अपना पूरा थीसिस उन्होंने डिटेल में मुझे बता भी दिया और शेयर भी कर दिया। थीसिस से रिलेटेड जितनी भी डिस्कशन थी वो मेरी कंप्लीट हो गई थी, लेकिन जो है बात करते करते तकरीबन 15 मिनट लग गए थे। सो वैन मुझे भी छोड़ के चली गई थी, सो इस दफ़ा मेरे साथ भी मोए मोए हो गई। 5 बजे जो है वैन आनी थी और जो है फ्रेंड की एक बर्थडे थी, सो मैं स्किप करना चाहती थी, लेकिन वो कहते हैं ना दाने दाने पिल के खाने वाले का नाम, तो मेरे नसीब में था। सो शायद इसलिए मेरा लेट हो गया जाना घर पे और जो हम लोगों ने बर्थडे को सेलिब्रेट किया। सो जो है अब मैं घर जा रही हूँ और देखते क्या बनता है घर जाके, क्योंकि आज 2 ब्राइड्स थी और दोनों जो है बारात की थी। सो इसलिए बारात की जो होती है ना थोड़ा सा जल्दी तैयार होना होता है क्योंकि उनका निकाह भी साथ होता है। सो अब देखते हैं घर जाके क्या बनता है। सो मेरे घर आने तक जो है एक ब्राइड तैयार हो चुकी थी और एक रह गई थी। सो जो रह गई थी मैंने आते ही उन्हें तैयार करना शुरू कर दिया। सो एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने एक गिव अवे अनाउंस किया था और उसमें मैंने कहा था कि 15 फेब को जो है मैं विनर को अनाउंस करूँगी कि कौन से 3 विनर्स होंगे। तो उसके लिए जो है कल मैं यूट्यूब पे लाइव आऊँगी और लाइव आके जो है मैं विनर्स को अनाउंस करूँगी, ताकि कोई ये ना कहे कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है। जो है मैं लाइव आप लोग के सामने स्पिन करूँगी। सो जो है कल 8 बजे जो है मैं लाइव आऊँगी यूट्यूब पे। सो जो भी विनर्स होंगे वो अनाउंस कर दूँगी आप लोग के सामने ही। पहले मैंने सोचा था मैं खुद ही विनर्स को अनाउंस कर दूँगी, लेकिन जो है बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैंने फेवरेटिज़म किया या फिर उन लोगों के साथ ज़्यादती हुई, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना लाइव आया जाए और लाइव आप लोगों के सामने स्पिन किया जाए। कल जो है मैं लाइव आऊँगी 8 बजे। सो आप लोगों ने जो है एक्टिव रहना कल। सो कल 5 बजे तक टाइम है, आप लोग अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं जिन्होंने नहीं किया वो कर सकते हैं। सो उसके बाद जो है क्लोज़ हो जाएगी टाइमिंग और उसके बाद जो मैं विनर को अनाउंस कर दूँगी। मैंने अपनी लाइफ में जो है फ़र्स्ट टाइम गिव अवे किया है, सो मुझे अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो मैं एक और गिव अवे अनाउंस करूँगी और जो है वो वर्ल्ड वाइड होगा, वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं होगा, उसमें हर कोई जो है पार्टिसिपेट कर सकता है। सो ये हमारी दूसरी ब्राइड है, इनका मेकअप जो है ऑलरेडी हो चुका है, सिर्फ इनका हेयर स्टाइल रह गया था और जो है लास्ट पर इनका हेयर स्टाइल भी कम्प्लीट कर दिया। जो दूसरी ब्राइड है उन्हें भी सेम हेयर स्टाइल चाहिए था ऐसा ही, क्योंकि दोनों सिस्टर थी और इन्हें जो है सेम लुक चाहिए थी। विदाउट दुपट्टा जो है इनकी लुक इस तरह की थी और ये हमारी फर्स्ट ब्राइड थी जिनको जो है ऑलरेडी तैयार कर दिया था, जो दूसरी हैं उन्हें मैंने आके किया था। सो दोनों जो है तकरीबन एक जैसी ही लग रही थी, इनके फीचर्स वगैरह भी तकरीबन सेम ही थे। सो जो है दोनों की लुक से पता चल रहा था कि दोनों सिस्टर हैं। आप लोगों ने जो है कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि दोनों ब्राइड्स कैसी लग रही थी और जो है इनके नसीब के लिए भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दुआ करनी है। सो विद दुपट्टा जो है इनकी लुक इस तरह की आ रही थी, विदाउट दुपट्टा जो है कभी भी आपकी लुक उस तरह की नहीं आती जो ब्राइड की होती है।
दुपट्टा देने के बाद ही आपकी प्रॉपर लुक आती है। सो ये थी मेरी आज की वीडियो, आप लोगों ने बताना कमेंट्स में आपको कैसी लगी। सो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।